हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम टेक सॉल्यूशन एडवांस्ड एक्सेल कोर्स। आज के इस वीडियो में देखिए, हम यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट और डेट है। अभी इस टेक्स्ट और डेट को हम यहाँ पर कंबाइन करने वाले हैं, अर्थात यहाँ पर हम करने जा वाले हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद हम उसी में जो है डेट भी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये हम किस तरह से करेंगे वह जो है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है और हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है। तो हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डेट है, यहाँ पर जो टेक्स्ट है वह ऐड हो चुका है। अब हमें डेट को ऐड करने के लिए उसके बीच में हमें कुछ साइन भी देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम डैश लगाना चाहते हैं, बीच में क्या लगाना चाहते हैं, डैश लगाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है इसके बाद जो है डैश आए या फिर स्लैश आए, उसके बाद जो है यहाँ पर डेट शुरू हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम एंड का यूज करेंगे और उसके बाद जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है, जैसे यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, उसके बाद डैश ऐड करना है। आप स्पेस देकर के डैश ऐड करना चाहते हैं या फिर आप स्लैश भी यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर चलिए स्लैश यूज कर लेते हैं। स्लैश यूज करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद अभी करना क्या है आपको, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर इसके बाद अब ये हमने डैश तो ऐड कर लिया, वापस आपको अभी एंड लगाना है। एंड लगाने के बाद अभी हमें क्या करना है, इस डेट को यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट फॉर्मूला को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट फॉर्मूला ऐड करेंगे। टेक्स्ट में वैल्यू क्या चाहिए आपको, ये जो वैल्यू चाहिए हमें, ये डेट चाहिए। ठीक है, वैल्यू में हमें यह डेट चाहिए, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट कैसा चाहिए, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कैसा टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पर आपको डीडी एमएम उसके बाद YYYY, चार बार Y जो है, इस फॉर्मेट में आपको जो डेट है वह चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आपको जो डेट है यहाँ पर देखिए, ये जो टेक्स्ट है वह भी मिल चुका है। यहाँ पर हमने स्पेस के बाद यहाँ पर स्लैश लगाया, फिर स्पेस दिया है, उसके बाद यहाँ पर डेट जो है, ये दोनों जो टेक्स्ट और डेट है यहाँ पर कंबाइन हो चुके हैं। तो आप स्लैश की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर डैश भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्लैश यूज किया है। तो इस तरह से हम डेटा को, ये जो हमारा टेक्स्ट और डेट है, उसे कंबाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टेक्स्ट और डेट को कैसे कंबाइन करना है ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।